वहीं सिंगरौली जिले के पापल निवास में संचालित ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल के छात्र ने प्रदेश के मेरिट लिस्ट में पांचवें स्थान पर छात्र ने नाम लाकर किया क्षेत्र का नाम रोशन। जी हां, बता दें सिंगरौली जिले की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निवास में संचालित ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल के छात्र ने प्रदेश के पांचवें स्थान पर नाम लाया है। यहां पर बता दें सिंगरौली के पापल निवास में संचालित ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल के छात्र ने मेरिट लिस्ट में नाम लाकर क्षेत्र का नाम। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यूपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कवरेज करने के लिए यहां पर आए, और आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो भी देख रहे हैं। देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करता है, और अपनी जो ग्लोरियस पब्लिक स्कूल है उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जानी जाती है। हम विगत कई वर्षों से लगातार 100% परीक्षा परिणाम दे रहे हैं, मेरिट से कुछ अंकों से चूक रहे थे, और इस बार हमारे छात्रों ने और हमारे शिक्षकों ने अटूट मेहनत की। इस कोविड के बाद जैसे हम लोग उभरे, तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे हम प्रोवाइड करा सकते हैं उसकी हमने पूरी व्यवस्था की, अलग से कक्षाएं संचालित की, और प्रत्येक दिन के मॉनिटरिंग जो है इस वर्ष की मैंने स्वयं अपने हाथों में संभाली थी, और इस वजह से आज परिणाम आप सभी देख पा रहे हैं। जिससे सर आज मेरिट में आ गया है नाम अपने विद्यालय के पांचवें नंबर पर, विद्यालय का जो छात्र है उसका पांचवें नंबर पर नाम है, कैसा लग रहा है सर आपको और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस परिणाम को लेकर? जब कोई परिश्रम करता है सफलता मिलती है तो खुशी का ठिकाना तो नहीं रहता। आज हमारे सभी स्टाफ में भी और वो उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्लोरियस परिवार को चाहने वाले सभी अभिभावकों के मन में भी काफी उत्साह है, और वाकई में इसके पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, और वो हम लोग निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं और उसके लिए आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही पंकज जी, ये हमारा परीक्षा परिणाम है। हमारे विद्यालय में कुल 37 छात्र अध्ययनरत, 37 में से 36 बच्चों ने प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की, एक बालिका जो थी जो द्वितीय श्रेणी में गई है। ओवरऑल रिजल्ट जो रहा है अपने विद्यालय का 100% रहा है, और इसके लिए मैं निश्चित रूप से अपने छात्रों को जिन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, मेहनत किया, उनको बधाई दूंगा, और हमारे अभिभावक भी इसमें लगातार लगे रहे अपने बच्चों के पीछे, और हमारे शिक्षकों की भी मेहनत है। तो किसी भी संस्था की जो नींव होती है वहाँ के स्टाफ होते हैं, और अपनी संस्था में वर्तमान समय में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे स्टाफ हैं, गुरुजन हैं, तो उन सभी की मेहनत की वजह से ये परिणाम आप सभी को देखने को।